गुड मॉर्निंग। सो अब हम सीखेंगे क्या कि रुपीस और पैसे जो भी होता है उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए रुपीस में दिया उसको कह रहा है कन्वर्ट करना है पैसे में, ठीक है, और अगर पैसे में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इस टॉपिक में हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि राइटिंग वर्ड, यानी हम अगर पॉइंट में या रुपीस और पैसे में दिया उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और या फिर रुपीस पैसे में दिया है तो उसको हम वर्ड में दिया है उसको हम रुपीस पैसे में कैसे लिखते हैं, सो हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रुपीस और पैसे में पहले तो हम जान लें पढ़ते कैसे हैं, तभी तो हम वर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे या फिर नंबर फॉर्म में लिख पाएंगे। सो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि 23, ये रुपीस का सिंबल है 23.40, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट, पढ़ते क्या है इसको पॉइंट, या फिर आप डॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, पॉइंट या डॉट बोल सकते हो। अब इससे पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, यानी ये 23 को हम रुपीस पढ़ते हैं, और ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम पैसे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ जान लीजिए कि पॉइंट के पहले वाले नंबर को रुपीस में, पॉइंट के बाद वाले नंबर को पैसे में। सो अगर इसको हमको वर्ड फॉर्म में लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे, 23 रुपीस, क्योंकि ये रुपीस में है, एंड लगा देंगे, पॉइंट के जगह एंड लगा देंगे, 40, सो 40 पैसे, ठीक, 40 पैसे ये पढ़ लेंगे हम। उसी तरीके से यहाँ बोला राइटिंग वर्ड, तो कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। मान लीजिए हम लिखे हैं 15.72, ऐसे दिए हैं रुपीस 15.72, तो हम इसको पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, 15 रुपीस, बिकॉज पॉइंट के पहले रुपीस है, सो सबसे पहले रुपीस को लिखते हैं, 15 रुपीस एंड 72 पैसे, ठीक है, ये हो गया। बस इसको वर्ड फॉर्म में इसी तरीके से लिखेंगे, आपको इस टाइप में दिया रहेगा, नंबर फॉर्म में इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब मान लीजिए अगर वर्ड फॉर्म में दिया है तो रुपीस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने दो यहाँ लिखा है, जैसे दिया है 7 पैसे, ठीक है, तो 7 पैसे को हम कैसे लिखें, हमने बताया था पैसे में दिया है, यहाँ रुपीस दिया ही नहीं है, और हमने बताया था सबसे पहले आप पॉइंट लगा लो, पॉइंट के बाद यानी आफ्टर, वो यहाँ पे क्या नंबर होता है, पैसा या रुपीस, पैसा होता है, मैंने यहाँ बताया था, देखिए पॉइंट के बाद क्या है, पैसा, यहाँ कितना दिया है 7 पैसा, 7 को लिखेंगे कैसे, सिर्फ 7 नहीं 07 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले क्या होता है रुपीस, यहाँ रुपीस दिया है, नो रुपीस नहीं दिया है, यानी यहाँ पे 00 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे रुपीस का ऐसे सिंबल लगा देंगे, सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट, रुपीस का सिंबल जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट 13 रुपीस 15 पैसे, इसमें रुपीस भी दिए हैं पैसे भी दिए हैं, सो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पैसे कितने हैं 15, सो यहाँ लिखेंगे 15, और रुपीस कितने हैं 13, सो यहाँ लिखेंगे 13, और रुपीस का सिंबल लगा देंगे, वेरी इजी, आप कर लेना, ये बहुत इजी है। अब हम सीखेंगे कन्वर्टिंग रुपीस इंटू पैसे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रुपीस को पैसे में। मान लीजिए दिया है कुछ एग्जांपल्स, रुपीस 16, ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है पैसे में, 16 रुपीस को कन्वर्ट करना है पैसे में, सो हम पहले उसके लिए जानते हैं कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100, ये याद रखिएगा, रुपीस को ये सिंबल लगाते हैं और पैसे को ये वाला सिंबल लगाते हैं, तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, सो यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना है, रुपीस दिया है पैसे में कन्वर्ट करना है, सो हम इसको लिखेंगे 16 × 1 रुपीस है, सो आगे रुपीस का सिंबल लगा दीजिए। अच्छा, रुपीस का सिंबल हमेशा आगे लगता है और पैसे का सिंबल हमेशा बाद में लगता है, ये याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया था पॉइंट के पहले वाले नंबर को रुपीस और पॉइंट के बाद वाले नंबर को पैसे, तो उसी तरह सिंबल भी पैसे जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, स्मॉल पीस है, कैपिटल पीस नहीं, स्मॉल पीस है उसका सिंबल है, तो यहाँ लिखा 16 × 1, अब सीधा आप क्या करो, 16 × 1 की जगह 100, और ये पैसे हो गए कन्वर्ट, और मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतने पैसे हो गए कन्वर्ट, बस ये भी बहुत इजी है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब बोल रहा है कन्वर्टिंग रुपीस एंड पैसे, मैंने यहाँ सिर्फ सिंबल लिखा है, लिखा नहीं है पूरा नाम, रुपीस और पैसे को कन्वर्ट करना है पैसे में, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 15.62 ये दिया है, अब इसको कन्वर्ट करना है पैसे में, सिर्फ पैसे में, रुपीस में नहीं, ये रुपीस पैसे दोनों में दिया है बट कन्वर्ट करना है सिर्फ पैसे में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले अलग कर लीजिए, पॉइंट की जगह प्लस लगा दीजिए और 62 पैसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे,
रुपीज 15 को यहाँ से अभी मैंने जैसे सॉल्व करना बताया वैसे आप कर लीजिए। रुपीज 15 को सॉल्व करना है तो 15 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट कर दीजिए 100 और इसको पैसे लिख दीजिए और प्लस 62 पैसे। सो एक बार और करेंगे 1500 पैसे प्लस 62 पैसे, अब ऐड कर दीजिए 1562 पैसे, ये आंसर हो गया। यानी हमने रुपीज और पैसे में दिया था उसको कन्वर्ट कर दिया सिर्फ पैसे। सो फिर अब एक और क्वेश्चन है कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे, यानी पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज, जस्ट इसका अपोजिट। यानी मान लीजिए कुछ पैसे दिए हैं यानी 62535 पैसे दिए हैं, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में। देखो जब भी इसको कन्वर्ट करना हो सिर्फ रुपीज में नहीं, रुपीज पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है, आप सीधा यहाँ क्या करिए, पैसे में दिया है कन्वर्ट करने के लिए इसको आप सीधा 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दें, 100 से डिवाइड, 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं तो 1 पैसे में कितने हो जाएंगे, 1/100 रुपीस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे 1/100 से तो एज अ डिवाइड ही होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे कर लीजिए। अब देखो डिवाइड भी वेरी इजी है, इसको डिवाइड मत करने लगना। देखो 2 0 है नीचे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, अगर 0 फॉर्म में है तो 2 डिजिट 1 2 यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा 62.35 और सिंबल लगा देंगे रुपीस का। इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 62 रुपीस 35 पैसे, ठीक है, ये हो गया करवा। सो आज के लिए इतना, इसके थ्रू आप इसके बेसिस पे जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है।